नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम उच्च माध्यमिक हिंदी क्लास 11 का सजेशन 2020 के उद्देश्य से, मैं राम का मुकुट भीग रहा है, हिंदी का एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। यहाँ उत्तर दिया हुआ है, आप चाहें तो उत्तर देख सकते हैं। मैं प्रश्न बोलूँगा, आपको उत्तर बोलना है और फिर बाद में मिला लेना है। पाठ है, मैं राम का मुकुट भीग रहा है, सजेशन 2020 या विजय सजेशन है। पहला प्रश्न, बरामदे में कुर्सी लगाकर राज होने लगा, कौन राज हो रहा था है? विद्यानिवास मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, अगे? उत्तर, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न, गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, यह वाक्य किस पाठ से है? बहता पानी निर्मला, बिगड़ैल बच्चे, मैं राम का मुकुट भीग रहा है, महाजनी सभ्यता? उत्तर, मैं राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न है, इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? यह प्रश्न 2016 में आया हुआ है। प्रश्न उत्तर है, वैद्यनाथ मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, अगे? उत्तर, विद्यानिवास मिश्रा। अगला प्रश्न है, मैं राम का मुकुट भीग रहा है, पाठ के लेखक कौन है? उत्तर, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्रा? उत्तर, विद्यानिवास मिश्रा। लोग नहीं लौटे, कौन लोग नहीं लौटे? बिगड़ल बच्चे, लेखक के मेहमान तथा पुत्र, नेता तथा विशेषज्ञ, कवि तथा मिस कटारा? उत्तर, लेखक के मेहमान तथा पुत्र। अगला प्रश्न है, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? आजादी की नींद, मैं राम का मुकुट भीग रहा है, महाजनी सभ्यता, बिगड़ैल बच्चे? उत्तर, आजाद मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जबकि इसी पाठ का है, तो सहज ही यही उत्तर होगा। अगला है, छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, यह कथन किस पाठ से उद्धृत है? बाता पानी निर्मला, मैं राम का मुकुट भीग रहा है, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बिगड़ेल बच्चे? उत्तर, मैं राम का मुकुट भीग रहा है। आगे, मैं राम का मुकुट भीग रहा है, किस विधा की रचना है? नाटक, निबंध, कहानी, पत्र साहित्य? उत्तर, निबंध। अगला प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र ने एमए कहाँ से किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय? प्रयाग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, आगरा विश्वविद्यालय में मिश्र जी किस विषय के प्राध्यापक थे? इतिहास, हिंदी,
भूगोल भाषा विज्ञान, उत्तर भाषा विज्ञान। अगला प्रश्न है, संस्कृत विश्वविद्यालय में मिश्र जी किस विषय के प्राध्यापक थे? भाषा विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र। उत्तर संस्कृत। अगला प्रश्न, लेखक किसकी राह जो रहे थे? मेहमान, लोगों, नौकर, रिक्शे वाला। उत्तर मेहमान। अगला प्रश्न, मेहमान लड़की किस विश्वविद्यालय में पढ़ाती है? उत्तर अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। उत्तर दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किसके निर्वासन को दोहरा गया है? एक बार फिर से, प्रस्तुत पाठ में किसके निर्वासन को दोहरा कहा गया है? दोहरा कहा गया है, दोहरा। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला। उत्तर सीता। अगला प्रश्न है, किसके राम, लखन और सीता वन वन भीग रहे हैं? दादी, नानी, दादी नानी, लेखक। उत्तर दादी नानी। अगला प्रश्न है, लेखक के यहाँ आई मेहमान लड़की का नाम क्या है? सीता, राधा, कृष्णा, कौशल्या। उत्तर कृष्णा। अगला 17 नंबर प्रश्न, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, ये में कौन सा भाव छिपा है? दर्द का भाव, भय का भाव, आशंका का भाव, निश्चितता का भाव। आशंका का भाव। 18, और चोर की बात सच लगती है, चोर कौन है? अयोध्या का चोर, महल के जीवर चुराने वाला, सीता के आभूषण चुराने वाला, मन में बैठा संदेह का भाव। मन में बैठा संदेह का भाव। अगला है, तार टूट जाता है मैं, तार का क्या अर्थ है? रस्सी, लोहे का तार, विचारों का क्रम, बिजली का तार। विचारों का क्रम। अगला प्रश्न है, लेखक की अकारण चिंता का विषय है? क, राम का मुकुट भीगने से। ख, मेहमान लड़की के देर रात लौटने से। ग, सीता के सिंदूर भीगने से। घ, राम के निर्वासन से। उत्तर मेहमान लड़की के देर रात लौटने से। अगला प्रश्न है, जीवन की निरस्ता में सूखे मन को किसके समान बनाया गया है? क, जंगल की तरह। ख, पगडंडियों की घास की तरह। ग, आमचूर की तरह। घ, सूखी घास की तरह। उत्तर आमचूर की तरह। अगला प्रश्न है, राम का मुकुट किसका प्रतीक है?
राम का मुकुट किसका प्रतीक है? क, राम के राजा होने का, राम की ऐश्वर्यता का, ग, धार्मिक भावना का, घ, राम के उत्कर्ष का। उत्तर, राम के उत्कर्ष का। अगला प्रश्न है, अरूप ध्वनिमयी कौशल्या किसे कहा गया है? उत्तर, क, गीत को, ख, दादी नानी के गीत को, ग, माताओं के कंठ में बसे गीतों को, घ, सीता की सास सास को। उत्तर, अरूप ध्वनिमयी कौशल्या माताओं के कंठ में बसे गीत को कहा गया है। अगला है, मुकुट का भिगना किसका प्रतीक है? उत्तर, मेहमान के प्रति चिंता का, विकल्प है क, ख, मित्र के प्रति चिंता का, ग, राम के वनवास का, घ, संतान के प्रति चिंता का। मुकुट का भिगना किसका प्रतीक है? घ, संतान के प्रति चिंता का। अगला, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता, यह कथन किस पाठ से उद्धृत है? क, मैं नरक से बोल रहा हूं, ख, बिगड़ेल बच्चे, ग, भाता पानी निर्मला, घ, मैं राम का मुकुट भीग रहा है। उत्तर, मैं राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न, कहीं कुछ हो न जाए कथन किस पाठ से उद्धृत है? मैं राम का मुकुट भीग रहा है, बिगड़ेल बच्चे, भाता पानी निर्मला, मैं नरक से बोल रहा हूँ। उत्तर, मैं नरक से बोल रहा हूँ। अगला है, मैं कैसे धीरज धरूं कथन किस पाठ से लिया गया है? महाजनी सभ्यता, मैं राम का मुकुट भीग रहा है, भाता पानी निर्मला, आजादी की नींद। उत्तर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न है, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, किस पाठ से लिया गया है? उत्तर, ऑप्शन, विकल्प, बिगड़ेल बच्चे, ख, राम का मुकुट भीग रहा है, घ, महाजनी सभ्यता, घ, आजादी नींद, आजादी की नींद। उत्तर, राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न, कोई गीत नहीं गाता कथन किस पाठ से लिया गया है? उत्तर, महाजनी सभ्यता, आजादी की नींद, बिगड़ेल बच्चे, राम का मुकुट भीग रहा है। उत्तर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 30, चोर की बात सच लगती है कथन किस पाठ से लिया गया है? महाजनी सभ्यता, आजादी की नींद, बिगड़ेल बच्चे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उत्तर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आगे तो इतना ही है, 30 नंबर तक। उम्मीद है आप 30 में 30 आए होंगे। धन्यवाद।